देखिए साथियों, इंडियन पोस्ट GDS भर्ती का रिजल्ट वैसे जारी हो चुका है। आप लोगों को पता होगा 19 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था रात को, लेकिन इस बार कुछ सर्किलों का रिजल्ट रोक लिया गया है। मात्र 12 सर्किलों का रिजल्ट आया है, अभी 11 सर्किलों का रिजल्ट आना बाकी है। तो जो 12 सर्किलों का रिजल्ट आया है उनका कट ऑफ वैसे कम ही गया है, लेकिन अभी भी बच्चों का नंबर नहीं आया। तो क्या वो अगली लिस्ट का इंतज़ार करें? सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, जरा बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डाक विभाग GDS के रिजल्ट 2024 की। 12 सर्किलों की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको पता भी होगा वो 12 सर्किल कौन कौन से है, यानी कि वो सर्किल जहाँ की लोकल भाषा हिंदी नहीं है उन सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैंने वो बता रखा है कौन कौन सर्किलों का रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहाँ फिर क्या है, जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है इसमें टोटल 12 सर्किलों से 22,008 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है लिस्ट में। लेकिन एक सच बताऊं मैं आपको जो कोई नहीं बताएगा, दोस्तों ये 22,008 बच्चे क्या जिनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है सभी की नौकरी लग जाएगी? अगर इस तरीके से नौकरी लग जाए तो फिर GDS की सीट तो एक ही सर्किल से सारी की सारी भर दी जाएगी, टोटल 44,000 वैकेंसियां है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन 22,000 बच्चों में 90% बच्चे फर्जी है। क्या है? फर्जी है। कैसे है फर्जी? दोस्तों GDS का फॉर्म जब भरा है कुछ शैतानी बच्चों ने मजा ही मजा लिया है। उनकी रियल में तो 60% ही है, रियल में तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय उन्होंने 100% डाल दिया था। अब जब मेरिट लिस्ट जब ये बनती है तो एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया है, वो सॉफ्टवेयर इसको जारी करता है, इंसान नहीं बनाता। तो सॉफ्टवेयर वहां ये नहीं देखता कि किसने क्या डाला है, जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है इसको मेरिट लिस्ट में नाम दे देता है। लेकिन घबराए नहीं, इनमें रियल 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से फॉर्म डाला है, रियल अपनी परसेंटेज बताई, उनको ध्यान देना है। जो रियल बच्चे हैं इन 22,008 में, उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 3 सितंबर से पहले पहले। मैसेज का बिल्कुल भी इंतजार मत करो, कुछ बच्चे इस मैसेज के भांति में ही रह जाते हैं। ये टेक्निकल एरर के कारण किसी के पास मैसेज आता है किसी के पास नहीं आता। तो आप लोग बिल्कुल भी मैसेज का इंतजार मत करो, बिना मैसेज के अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा। समझ गए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो फेक बच्चे है, यानी कि जो 22,008 बच्चे हैं इनमें कोई भी अगर फेक है, उनको पता होगा कौन ऐसा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, पकड़ में आ जाओगे। आपने फॉर्म भरते समय तो चालाकी दिखा दी, यहां पर सॉफ्टवेयर ने आपका मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया, लेकिन वहां जब DB करवाने जाओगे, इंसान DB करेगा, तो पकड़ में आ जाओगे। आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट को चेक किया जाता है, वो भी DigiLocker से। इसलिए जो जिसने भी फर्जी किया है फॉर्म अप्लाई, वो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूं जिन जिन स्टूडेंट्स को DB के लिए जाना है, उनके पास ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आपके पास सेंट्रल का हो चाहे आपके पास स्टेट का हो, दोनों में से अगर दोनों है तो दोनों ही ले जाना, एक है तो एक ले जाना, ठीक है। ये EWS, SC, ST और OBC अभ्यर्थी को चाहिए होता है, जनरल को इसकी आवश्यकता नहीं होती। PWD सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा जो PWD से चयन हुआ है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है क्या? किसी भी डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बना सकते हो, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां जाकर बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट 5 मिनट के अंदर बन जाता है, फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है, उसको डाउनलोड करो और उसमें आपका नाम पता एक फोटो चिपका लेना और हॉस्पिटल में चले जाना, कोई भी सरकारी डॉक्टर बनाकर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। अब ये इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इस तरीके का होता है फॉर्मेट, इसको निकलवा लेना कंप्यूटर वाले के पास जाकर, इसको भर देना, और जहां से आपने 10वीं पास किया है, बड़ा सिंपल आसान रास्ता बता रहा हूं आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट बनवाने का, जहां से 10वीं पास किया है वहां चले जाइए, वहां का जो प्रिंसिपल है वो आपको इसको
बनाकर दे देगा। ये एक तरीका चरित्र प्रमाण पत्र होता है कि आपकी जर्नी क्या रही है, आपका व्यवहार क्या है, आप पर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, तो एक स्वस्थ आप होना चाहिए, आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपकी लाइफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट होता ही है, तो वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जानते हैं, फॉर्म का प्रिंट और ले लेना साथ में, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कोई भी गवर्नमेंट आईडी, वोटर आईडी वगैरह वो ले जाना, लाइसेंस वगैरह, बाकी ये दसवीं की मार्कशीट भी में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती ही है तो वो चल जाएगी, ठीक है। अदर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है अभी, तो पहला डीबी इन्हीं से हो जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डोमोसाइल नहीं चाहिए, पैन कार्ड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड भी कोई जरूर नहीं है, आधार कार्ड भी कोई भी जरूर नहीं, और मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में डाला है, वो तो आपको वहां ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों इन सर्किलों में जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया है, वैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ 70% से 80% ही रहा है, एक बार अपना रिजल्ट फिर से चेक करो, और टेलीग्राम चैनल पर इन 12 राज्यों का मैंने रिजल्ट डाल दिया है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के जरिए आप अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो टेलीग्राम एप्स पर आप सर्च कर लेना क्लासेज अभिषेक, तो वहां हमारा ऑफिशियली अकाउंट आ जाएगा, यहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है, सारी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मिलती रहती है, तो आज ही अभी इस काम को करो, दोबारा से पीडीएफ डाउनलोड करो और अपना रिजल्ट चेक करो, क्योंकि कट ऑफ यहां का हमेशा बहुत कम ही रहता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी का नंबर नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, अभी तो बहुत सारी लिस्टें आना बाकी है, सेकंड लिस्ट भी जल्द आपकी डिक्लेयर होगी, संभावित अगर डेट बताऊं तो सितंबर के सेकंड वीक के अंदर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी इन सर्किलों की, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, अब मुझे बताना कि यहां 12 सर्किलों में से किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ, वैसे लैंग्वेज मेरी समझ में आ रही होंगी क्योंकि यहां के बच्चे भी हिंदी जानते होंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हो जाएगा आपका, इस लिस्ट में नहीं आया तो टेंशन बिल्कुल भी मत करना, बहुत सारी लिस्ट आएंगी, किसी न किसी लिस्ट में नंबर अवश्य आ जाएगा, ये जानकारी थी लेटेस्ट, और ये काम आप लोग करोगे, ठीक है। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जय हिंद जय भारत।